इस गाड़ी में आगे की साइड में इन्फिनिटी रेफरेंस के दो कंपोनेंट लगे हुए हैं और बैक साइड के अंदर इन्फिनिटी रेफरेंस सीरीज के ही ओवल स्पीकर लगे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं इन्फिनिटी रेफरेंस के ओवल स्पीकर। इन स्पीकर में सबसे अच्छी बात यह है कि हम इनका ट्विटर मैन्युअली ऑन ऑफ कर सकते हैं इस स्विच के द्वारा। अभी इनकी स्पेसिफिकेशन दिखा देता हूँ आपको। और हमारी वायर है वो वैसे ही हाथ से लपेट रखी है, कोई थिम्बल वगैरह नहीं, ये वायर लटकी पड़ी हुई है। खैर काम का तो मैंने एक वीडियो बना ही दिया था कैसा काम करते हैं, तो थोड़ा सा देख भी लो आप भी। और इसके अंदर हमने सोनी का टू चैनल एम्पलीफायर भी लगाया हुआ है जो इन चारों स्पीकरों को इनपुट दे रहा है। अभी आउटपुट चेक करना। रुके रुके, तो अब बात आती है कि इनकी आउटपुट कैसी है, क्या मैं उससे संतुष्ट हूँ या नहीं। तो हाँ, स्पीकर्स की जो आउटपुट आ रही है वो काफ़ी अच्छी आ रही है और इनमें बेस भी काफ़ी लाउड है। और बेस का रीज़न ये है क्योंकि इनके अंदर जो पीछे की जो ट्रे पर डिग्गी के ऊपर जो ट्रे है उस पर स्पीकर्स लगे हैं वो हैवी स्पीकर्स हैं, जो अपने 6.5 इंच के दरवाजे के अंदर जो स्पीकर लगे हुए हैं उनसे वो काफ़ी बड़े और काफ़ी हैवी स्पीकर्स हैं। और हमारी जो डिग्गी है उसका अंदर जब बेस जाती है तो एक एंक्लोजर का काम करता है जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा बेस आता है। आपने वीडियो में देखा होगा शीशे हिल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बेस ट्यूब लगवाने की कोई ज़रूरत है। लेकिन ट्रे में जो ओवल स्पीकर लगते हैं उनका एक नुकसान भी है। उनका नुकसान ये है कि जो बंदा पीछे बैठेगा तो हम ज़्यादा लाउड करके म्यूजिक नहीं चला सकते क्योंकि स्पीकर उसके बिल्कुल कानों के पीछे बजेंगे, वो बंदा इरिटेट हो जाएगा। और खैर फायदा भी है कि अगर हम कम आवाज़ करेंगे तो भी पीछे वाले को तो अच्छी आवाज़ सुनाई देगी। लेकिन मैं जो काम हुआ है वायरिंग उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। आपने भी देखा वायर ऐसी लटक रही है, एक भी जगह पर थिम्बल का यूज़ नहीं हुआ है। तो आप भी जब काम करवाने जाएं तो किसी ऐसे से काम करवाएं जो जिसके पास सारे इक्विपमेंट हो, जैसे थिम्बल हो, उसके ऊपर पूरे केबल को कवर करने के लिए जो पाइप आती है वो हो, और हीट स्लीव्स हो। तो आप किसी ऐसे बंदे के पास से काम करवाइए जिसके पास ये सारा सामान हो, केबल अच्छी ग्रेड की रखता हो, ब्रांडेड कंपनी की केबल यूज़ हो। केबलिंग का ही मेन खेल है क्योंकि अब मैंने लगवा लिया या फिर आपने किसी ने भी हल्की वायरिंग करवा ली तो वो एक आध साल बजेगा, उसके बाद वो दिक्कत देना शुरू हो जाएगा और उसकी वजह से कुछ भी ख़राब हो सकता है। तो हमें अपने कनेक्शन में और केबल में कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए। और पीछे ट्रे, अगर ट्रे में जब स्पीकर लगवाते हैं तो वहाँ पर प्लग लगवा लें, डिटैचेबल प्लग ज़रूर लगवाएं ताकि आपको अगर कोई बड़ा सामान रखना है तो ट्रे निकालने की भी नौबत आ जाती है तो उस केस में हम उसे आराम से निकाल सके, हमें ज़्यादा छेड़खानी ना करनी पड़े कि हम तार वार पूरा निकालें। उससे बढ़िया है कि हम वहाँ पर प्लग लगवा लें जिससे प्लग को आराम से निकाल कर और अपने ट्रे को साइड में रख दें और जैसे ही हमारा काम ख़त्म हो जाए हम दोबारा से ट्रे को ईजिली इंस्टॉल कर सकें। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बताऊंगा कि कैसे कनेक्शन करवाने चाहिए, हमें किन किन बातों का और ध्यान रखना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।